सो व्हाट इज़ अप एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जैसे आपको पता है हम लोग जलगांव है, तो जलगांव में हम लोग आज पद्मालय एक्सप्लोर करने आए, तो चलो आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। सो ये पद्मालय का एंट्रेंस है, यहाँ से आगे जाकर हमको एक घाट लगेगा, इस घाट को पार करके फिर हम लोग पद्मालय पहुँचेंगे। लोगों ने हमारी कार पार्क कर ली है, अब अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे छोटे होटल्स हैं एंट्रेंस पे। एंटर करते ही आपको ये फोन देखने मिलेगा। तो पद्मालय पे बेसिकली सबसे मेन चीज जो है वो गणपति मंदिर है, और आज चतुर्थी है इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। तो मुझे नहीं लगता मैं आपको मंदिर दिखा पाऊंगा, बट मैं आपको ये सारा व्यू दिखा दूंगा यहाँ का। बहुत ज्यादा भीड़ है आज। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये वो मंदिर है, तो उसका स्पेशलिटी ऐसा है कि इंडिया में जो 3.5 पीठ है ना गणपति के, उसमें से ये एक है। आगे जाकर वहाँ पर एक भीमकुंड भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये भीमकुंड का एंट्रेंस है। You get all refreshment drinks over here. बहुत ही सही व्यू है यहाँ से। अब यहाँ से नीचे और है स्टेप्स, उतरने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, चढ़ते वक्त सब पता चले तो कैसे आ रहा है। अभी पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है ये। तो स्टेप्स उतरने के बाद भी काफी और चल के जाना है नीचे तक। तो पाए चलो ना। ये भीमकुंड है का? ये वाला? ओके, सो दिस इज द भीमकुंड। वहाँ पे कहते हैं भीम के पाँव के निशान भी है। हाँ 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 हाँ
तो ऐसे कहा जाता है ये भीम के पाँव के निशान है। जब उतर रहे थे ना तब लगा नहीं था इतना स्टीप होगा नीचे, पर अब चढ़ते वक्त बहुत समझ में आ रहा है पूरी वाट लग रही है। That is all from this vlog. आपको ये vlog कैसे लगा मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताना। Hit the like button, share this vlog. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। हम लेंगे अगले एक vlog में जहाँ पे हम जलगांव का एक अमेजिंग फूड जॉइंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। Stay tuned to watch that. Goodbye.